कैसे हो प्यारे बच्चों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आज हम 10th साइंस का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा, पावर का सीधा सा मतलब है, जैसे मान लो आप में कितनी पावर है, तो ये पता चलेगा कि आप कितने टाइम में कितना काम कर सकते हैं। अगर हम दो दो पर्सन को कंपेयर करें, कोई कम टाइम में ज्यादा काम करता है और कोई उतने ही टाइम में कम काम करता है, तो मतलब ज्यादा काम करने वाला क्या है, पावरफुल है। तो पावर कैसे नापी जाती है, कैसे मेजर की जाती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, इसी को क्या कहते हैं हम, पावर कहते हैं। तो पावर का सीधा सा मतलब है, किसी भी अप्लायंस की, किसी भी ऑपरेटर्स की पावर नापनी हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो उसकी पावर हमें मेजर करनी हो, तो कुछ नहीं है, पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, इसी को ही क्या कहते हैं हम, पावर कहते हैं। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है कि किसी भी क्वांटिटी को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं रेट। मतलब टाइम के साथ वर्क है उसके करने का जो रेट है उसी को हम क्या कहेंगे, हम पावर कहेंगे। तो पावर बराबर क्या हो जाने वाला है, डब्ल्यू अपॉन टी। किसी भी क्वांटिटी में टी का डिवाइड कर देते हैं तो वो उसकी रेट हो जाती है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, दैट इज कॉल्ड पावर। आप सबको पता होगा कि जो वर्क है उसका यूनिट है वो जूल होता है, और टाइम का सबसे छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल अपॉन सेकंड हो जाएगा, और इसी यूनिट को हम क्या कह सकते हैं, वाट कह सकते हैं। तो पावर का यूनिट है वो क्या होता है, वाट होता है। आपने घर पे देखा होगा, आपके बल्ब हैं, आपके स्पीकर्स हैं, आपके फैन हैं, मोटर हैं, सब पे लिखा होता है। जैसे बल्ब पे लिखा होता है 5 वाट का बल्ब है, 8 वाट का बल्ब है, तो वो उसके वर्क की कैपेसिटी दिखाता है कि वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंजप्शन कर सकता है। वर्क आप यहाँ एनर्जी से भी ले सकते हैं, वर्क और एनर्जी एक ही फॉर्मेट है, वर्क को हम एनर्जी में बदल सकते हैं और एनर्जी को हम वर्क में बदल सकते हैं। तो बल्ब पे 18 वाट लिखा है, मतलब 1 सेकंड में जो है वो बल्ब कितनी एनर्जी कंजप्शन करेगा, इसको इंडिकेट करता है 18 वाट। चलिए, अब हम यहां से अगर 1 वाट को डिफाइन करना चाहें कि 1 वाट क्या होता है, देखिएगा, अब वाट 1 कब आएगा, जब जूल का वैल्यू 1 हो और टाइम का वैल्यू 1 हो, तो वाट भी क्या आएगा, 1 आ जाएगा। मतलब 1 सेकंड में अगर 1 जूल वर्क हो जाए, इफ देयर इज अ देयर इज अ 1 जूल वर्क इन 1 सेकंड, देन द वैल्यू ऑफ पावर इज 1 वाट, है ना। आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, इफ देयर इज अ 1 जूल वर्क इन 1 सेकंड, देन द वैल्यू ऑफ पावर इज 1 वाट। तो आप 1 वाट को इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि अगर 1 सेकंड में 1 जूल काम हो रहा हो कहीं, तो हम वहां जो पावर कंजप्शन है या जो पावर है उसको क्या कहेंगे, 1 वाट कहेंगे। फिर आप देखिएगा, जो वाट है पावर का, वो बहुत छोटा यूनिट है ना, बहुत छोटा यूनिट है। कमर्शियल जो यूनिट है, जो कमर्शियल यूनिट है पावर का, वो है किलो वाट होर, है ना। कमर्शियल यूनिट, जैसे आपके घर बिजली आती है, लाइट आती है आपके घर पे, और बहुत सारे अप्लायंस चलते हैं, बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रीज हैं, तो बड़े बड़े मशीनें चलती हैं वहां, तो फिर वाट बहुत छोटा रह जाता है उन यूनिट्स के एनर्जी कंजप्शन को मेजर करने के लिए। इसीलिए जो बड़ा यूनिट है, जो कमर्शियल यूनिट है, जिसको कहते हैं किलोवाट आवर, या आपने घर पे सुना होगा हमारे बिजली का बिल जो आता है वो यूनिट में आता है ना, कितनी यूनिट बिजली है वो लग गई है, तो उसको ही क्या कहते हैं हम, किलोवाट आवर कहते हैं। तो कमर्शियल जो यूनिट है पावर की, वो क्या है, किलोवाट आवर है, या इसी को हम यूनिट कहते हैं कि इतनी यूनिट बिजली हमारे घर पे, इतनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी है
वो कंजप्शन हो गई है ना। कमर्शियल जो कमर्शियल जो है जो यूनिट हमारे घर पे जो बिल आता है यूनिट में, उसको मेजर करने का फॉर्मूला है पावर इनटू होवर इनटू डे अपॉन 1000। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है पावर इनटू होवर इनटू डे अपॉन 1000। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कि कोई अपरेटस कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करेगा। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक बल्ब है और वो 20 वाट का बल्ब है, ठीक है जी, और एक दिन में 4 होवर चलता है, एक दिन में वो 4 होवर हम उसको लाइट अप करते हैं, तो बताओ 30 डेज एक महीने में कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा वो। तो कुछ नहीं करना, पावर कितनी है 20 वाट, होवर कितने घंटे चलता है एक दिन में 4, और कितने दिन में चलाना है, कितने दिन चलाना है 30 अपॉन में 1000, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 टू द 8, 8 3 द 24 अपॉन 10, तो वो एक महीने में 2.4 यूनिट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। अब यहां से आपका बिल भी कैलकुलेट कर सकते हो, एक यूनिट का वैल्यू है वो गवर्नमेंट फिक्स करके रखती है 5 रुपए 6 रुपए, आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक बल्ब के कारण इतना जो है कॉस्ट आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का वो है आने वाला है। फिर आप देखते हैं, आपने देखा होगा जो एग्रीकल्चर फील्ड के जो बच्चे हैं उनको पता होगा है ना, एक 1 horsepower है ना, आपने सुना होगा ये 1 horsepower होता है बराबर होता है 746 वाट के, है ना। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बच्चे हैं जिनके घर पे फार्मिंग होती है उनको पता है ना, उनके जैसे ट्यूबवेल की मोटर लगती है तो कहा जाता है कि 1 horsepower की है, 2 horsepower की है ना, तो ये डाटा सीधा का सीधा पूछा जाता है एग्जाम में कि 1 horsepower है वो बराबर होता है 746 वाट के, ठीक है। 1 horsepower की अगर कोई मोटर है तो वो 746 वाट के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास था एक छोटा सा टॉपिक जो कि था इलेक्ट्रिकल पावर।